तो जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे थे वो हमारे घर की, हमारे जनपद की शख्सियत है, राहुल पंडित, जिन्होंने मैनपुरी जनपद का नाम पूरे देश, पूरे प्रदेश और पूरे जनपद में रोशन किया है। इन्होंने मैनपुरी से जाकर बॉलीवुड में, बॉम्बे में बहुत अच्छी प्रतिभा कमाई, बहुत अच्छी ख्याति कमाई। मैं राहुल पंडित से बात कराऊंगा। राहुल पंडित मैनपुरी के हैं और इन्होंने मैनपुरी जनपद का नाम देश में रोशन करने का काम किया है, सिंगिंग के क्षेत्र में, प्लेबैक सिंगर के रूप में। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार विशाल, कैसे हैं? मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया इसलिए करूंगा क्योंकि आपने मैनपुरी जनपद का नाम, हमारे घर का नाम, पूरे देश और पूरे प्रदेश में रोशन किया है। और जब भी कोई बॉलीवुड या जब भी बॉम्बे से कोई शख्सियत आती है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका ही रहता है, ये मैनपुरी जनपद जानता है। राहुल जी, आपके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा मैनपुरी जानता है। और मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि राहुल जी, आज आप मैनपुरी में आए तो मैनपुरी को आज क्या देके जाएंगे, क्या एक नया देके जाएंगे? देखिए, मैनपुरी को तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनपुरी हर बार कुछ नया खुद से कर लेती है ना। मैनपुरी में की मिट्टी में ऐसी बात है, और जैसा कि कई मुझे सभी लोगों ने सुना है ऑलरेडी मैनपुरी में, बट आज हमारे बीच दो नए सिंगर्स हैं जो मैनपुरी में ऑफिशियली पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा लोग उन्हें सुने, क्योंकि मुझे लोगों ने सुना है, मैं खुद भी गाऊंगा, बट आई जस्ट वांट कि वो लोग भी गाएं, सब लोग सुने। और मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो आप आज सुनेंगे वो आपने इससे पहले शायद ना सुना हो मैनपुरी के स्टेज पर, और इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स आते रहेंगे मैनपुरी में। हम भी एंटरटेन करेंगे और जो सिंगर्स आए हैं वो भी एंटरटेन करेंगे सभी को। सिंगिंग और डांसिंग आइडल मैनपुरी कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, तो इसमें जो प्रतिभाग करने वाले हैं, प्रतिभागी हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप मतलब अगर हमें कुछ भी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या हमें रियलिटी शो करना है, जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस से हम सब कुछ जीत सकते हैं इस दुनिया में। मुझे लगता है सुर में, अगर सपोज आप सुर में हों और आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है गाने के लिए या डांस करने के लिए, तो आपकी जो आर्ट है वो 50% हो जाती है मेरे हिसाब से। तो बस हमें कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और गाते रहना है। मैनपुरी के लोगों ने कई कार्यों में, अपनी कई क्षेत्रों में प्रतिभा की है। ज़्यादातर नाम जब भी आता है तो गलत कार्यों में मैनपुरी का नाम आता है, लेकिन आपने मैनपुरी जनपद का नाम रोशन किया है, तो आप मैनपुरी के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैनपुरी में अगर हम गलत चीज़ों की बात करते हैं तो मैनपुरी में अगर आप देखिए, इतने बड़े जो साहित्यकार हुए है ना, आप देखिए मैनपुरी में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी है ना, जिसका नाम था बदनाम बस्ती, शायद आपने सुना हो, ठीक है। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम, मेरा घर और वो जो घर है वो बगल में युग सीरीज उन्होंने बनाया था है ना, तो कमलेश्वर जी बहुत फेमस राइटर जो मैनपुरी से थे, और ये मैनपुरी के लिए मेरे हिसाब से इससे बड़े गौरव की बात हो नहीं सकती कि उनको एक सीरियल नहीं, सीरियल, मूवीज, और मैनपुरी की सरजमी पे एक शूटिंग हुई जिसका नाम था बदनाम बस्ती, उसके अलावा कई और लोग भी हुए। और मैं तो छोटी सी कड़ी हूँ एंड मैं कोशिश करूँगा कि जितना आगे बढ़ाए जैसे कि मैनपुरी के नाम को, और मैं जितने लोग भी हैं उन्हें मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आपको ये लगता है कि आप जा सकते हैं, आप कोई दूसरा फील्ड चुन के एक ही फील्ड पर फोकस करेंगे तो शायद बेटर रहेगा, क्योंकि दो नाव पर हम सवारी नहीं कर सकते। तो ये थे राहुल पंडित, जिन्होंने अपने घर, अपने जनपद का नाम पूरे देश में रोशन किया है। हम सभी युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जैसे राहुल पंडित ने अपने देश में ही अपने जनपद का नाम रोशन किया है, ऐसे ही सारे लोग अगर सोचेंगे तो मैनपुरी का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन होगा।